من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وأنيس الغريبنا وخاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المصدق والنبي المهذب والأمين المنتخب والفضل والعطاء والجود والسخاء والحجة والبرهان والخلق العظيم وشفيع المذنبين ومحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيد العرب والعجم والنبي الأمي المكي المدني الهاشمي صاحب طه وياسين إمام المتقين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على وصيه ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف إطرته وذريته وباب الحكمة وناطق الحجة سيد المسلمين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح خيبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی ادائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعرہ سلوائے اس سے بلند آواز میں پڑھے آپ حضرات سلام گرامی بزرگان محترم معزز حضرات بالخصوص ملت اسلامیہ و سوگواران حسین پروردگار عالم حضور سرور کائنات سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع روم جزا سلطان مشرقین رسول الثقلین غار حرا کے عابد مبلغ اسلام محبوب خدا تاجدار انبیاء سرکار مدینہ ملت حنیف کے پیشوا جلوہ قدرت کے شاہد اسرار الوہیت کے وارث عالم انسانیت کے محسن آدم فخر موجودات کائنات غریبوں کے مددگار بے کسوں ناچار کے پالنہار دونوں جہان کے پاس بان شہنشاہ تقدس بادشاہ بہروبر تمام انبیاء کرام کے علوم کے وارث یاسین والقرآن الحکیم کی منزل میں فائز ہونے والے طہٰ کا لقب پانے والے سراج المنیر کے وارث آملہ کے لال ابو طالب کے رستے جگر عبداللہ کے نور نظر احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون اے محمد تمہارے پروردگار کی قسم لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک کا فیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں اپنا حاکم نہ مان لے ثم لا یجدوا
फी अनफुसहिम हरजन मिम्मा कज़ाता, मेरा नबी जो फैसला कर दे उससे दिल में तंगी महसूस न करे, यसल्लमु तस्लीमा, उसे इस तरीके से तस्लीम करे जिस तरीके से तस्लीम करने का हक है। तवज्जो चाहता हूं, तो मोमिन होने की दलील क्या है? जा हदा सुने, मोमिन होने की दलील क्या है कि हुक्मे रसूल के सामने सरे नियाज को खम कर दे और रसूल ने जिससे मोहब्बत की है उससे मोहब्बत करे, जिससे नफरत किया है उससे नफरत करे, इसलिए कि जालिम और मजलूम दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते। सलवात बने बाबा बन, बहुत तवज्जो। भाई चार विशा समाज फरमाएंगे, दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते, जालिम और मजलूम दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते। लोगों समाज बेदार है, लुत्फ आएगा कि कौन है मुसलमान समझ न सके, दीन क्या है इस्लाम क्या है, कुछ फर्क नहीं बाकी माबैन हक व बातिल, मीज़ान मोहब्बत में दोनों ही हैं हम पल्ला, मीज़ान मोहब्बत में दोनों ही हैं हम पल्ला। इस्लाम है ये कैसा, ये कैसी अकीदत है? इस्लाम है ये कैसा, ये कैसी अकीदत है? मजलूम रजी अल्लाह, जालिम भी रजी अल्लाह। गौर व फिक्र का मुकाम है, मुसलमान गौर करें अज़मत रसूल क्या है, नबी की सीरत क्या है, नबी का किरदार किसे कहते हैं। हम बिला वजह हुसैन इब्न अली से मोहब्बत नहीं करते, बिला वजह नहीं, शरीयत इलाही के मुहाफिज का नाम है हुसैन। तवज्जो चाहता हूं, लोग समाज बेदार है, मुसद्दस का एक बंद समाज फरमाए और फिर तकरीर सुने, आप बिल्कुल महसूस होंगे। आप एक रोज जुल्म जोर के तूफान जब उठे, नामे रसूल पाक पे बोहतान जब उठे, इंसानियत के कत्ल को इंसान जब उठे, इस्लाम को मिटाने मुसलमान जब उठे, इस्लाम को मिटाने मुसलमान जब उठे, हर आंख ढूंढती थी तेरे नूरे ऐन को, तो जो चाहता हूं, हर आंख ढूंढती थी तेरे नूरे ऐन को, आवाज दे रही थी मशीयत हुसैन को, आवाज दे रही थी मशीयत हुसैन को। हुसैन की मंजिलत क्या है, नबी की सीरत क्या है, नबी कहते किसे हैं? मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की सलाह कर सकूं। कहां आलम अफरोज के रोशन सितारे, कहां ये सरजमीन हुसैनाबाद का अदना मौलवी, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सेना में लब हिलाऊं, छोटा मुंह बड़ी बात के मिसल है। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि अल्फाज का चिरागा करके ज्यादा मकसूद को जगमगा सकूं। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि अल्फाज का चिरागा करके ज्यादा मकसूद को जगमगा सकूं। मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि जब हुजूर सरवर कायनात जिंदा होंगे, इसके लाही का जाम चल रहा होगा, मार्फत के सागर छलकते होंगे, कभी कभी ये तकद्दस के पुतले मक्के के बागों में मदीनों के बाजारों की तरफ से गुजरते होंगे, तो इनकी पेशानी के नूर से रास्ता जगमगा उठता होगा। मीकाईल और जिब्रील जैसे फरिश्ते नतीबाना अंदाज में निदा देते होंगे, दरख्तों से
दरूद और सलाम की सराए गूंजती होगी। इन्हें दुनिया से कोई निस्बत नहीं, तवज्जो चाहते, इन्हें दुनिया से कोई निस्बत नहीं। वो सीधा अमामे सर पे टूटे को टूटे फूटे मकानात, खाने को जाओ की रोटी, लेकिन रोबो जब जज्बा खुदा ने वो अता किया था जो बड़े बड़े बादशाहों को वो असर नहीं, बड़े बड़े बादशाहों को वो असर नहीं जिन्होंने नौशेरवा आदिल का दरबार देखा था, जब ये बोरिया नशीनों के रोबो जलाल को देखते थे तो हरफे मतलब का अदा करना मुश्किल हो जाता था। तवज्जो चाहता हूं, अजमत आले मोहम्मद क्या है, अजमत रसूल क्या है, ज़ौक़े सवात है, ईमान का कुफर से तकाबुल ही क्या है। कसरा के दरबार को दरबारे खत्मी मर्तबत से मुनासिबत क्या है। मेरे अजीजों, ऐ आले मोहम्मद के मुकाबले में सहाबी रसूल को लाने वालों, शायद तुम्हें मालूम नहीं आफ्ताब के सामने शमा की कोई हकीकत नहीं, चांद के सामने जुगनू की अहमियत नहीं, दरिया के सामने पानी का ठिकाना नहीं, गुलशन के सामने कांटे का गुदारा नहीं, विलायत के सामने हुकूमत की अहमियत नहीं। तवज्जो का तालिब हूं, ज़ौक़े समाज बेदार है। यही वजह थी कि हुकूक़े आले मोहम्मद को गसब करने में कोई दकीका बाकी नहीं रखा। तवज्जो चाहता हूं, कोई दकीका बाकी नहीं रखा। बुलबुलों को मारा, शाखों को छाटा, फूलों को पैरों से कुचला, चंद मिनटों के लिए गुलशन में खिजा फैली, लेकिन जब इस्लाम की बका का वक्त आया, मुसलमानों को दरे अली पे आना पड़ा। भाई तवज्जो चाहता हूं, इस्लाम की बका के लिए, और तारीख कहती है जब मुसलमान दरे अली पे आए इस्लाम की बका के लिए, तवज्जो चाहता हूं, मौला अली ने कहा फैसला वहां होगा, बायत वहां होगी जहां के रसूल बायत लेते थे। मैं कहूंगा मौला ये कर कह रहा है, कहिए बताना चाहता हूं सही रसूल का जानशीन कौन है, तुम जहां चाहो ले लो। आए जब मेरा मौला मुश्किल कुशा मेंबर पे बैठा, देखिए 3 दिनों का मेंबर था। भाई बहुत तवज्जो, मुकम्मल लुत्फ आएगा, अभी तमीली पहलू है, ये तमीली पहलू से गुजर रहा हूं मैं, अभी मकसद पर नहीं आया। 3 दिन का जब रसूल ने पर्दा कर लिया और पहले खलीफा हुए तो वहां नहीं बैठे जहां रसूल बैठते थे, एक दिन को छोड़ा, दूसरे हुए तो जहां खलीफा अव्वल बैठते थे वहां नहीं बैठे, उसको छोड़ा, जब तीसरे आ गए हजरत उमर तो उन्होंने आखिरी दीनों को छोड़ा, तवज्जो है ना, वहां नहीं बैठे। तवज्जो का लोग समाज में डाल है, पता ये चला, यही वजह है कि इनके यहां मेंबर नहीं पाया जाता। भाई मेंबर नहीं पाया जाता, खड़े होके तकरीर करते हैं, स्टेज बनाते हैं। सलावत जब मेरा मौला मुश्किल से आया तो कहां बैठा, कहां, एक पर कदम रखा, दो पे कदम रखा। मैं तवज्जो चाहता हूं, एक पे कदम रखा, दो पे कदम रखा, उस मुकाम पे बैठे जहां रसूल बैठते थे, उस मुकाम पे बैठे जहां रसूल बैठते थे। नीचे से आवाज आई, या अली, या अली, नबी की जगह, नबी की जगह।
तवज्जो चाहता हूं, फड़न जाएंगे आप। या अली, नबी की जगह नबी। एक मरतबा मौला कायनात ने उसे गौर से देखा, कहा क्या बकता है खामोश हो जा, क्या बकता है खामोश हो जा। ये लकड़ी के मेंबर की बात कर रहा है, ये लकड़ी के मेंबर की बात। अरे ये कदम तो दोषे मोहम्मद पर जा चुके हैं। तवज्जो का तालिब हूं, लकड़ी के मेंबर की बात। अरे ये कदम इमामत है, ये तो मोहरे नबूवत को चूम चुका है। तवज्जो का तालिब हूं। एक बात आपके सामने अर्ज कर दूं कि नबी कौन है? जिनके जिस्म अथर में साया नहीं था, नबी के जिस्म अथर में साया नहीं था। अच्छा साया नहीं था तो क्यों? बात यहां से, अब मैं अपने मकसद पर आ गया। नबी के जिस्म साया नहीं था तो क्यों? साये की फितरत होती है कि जब आदमी आफ्ताब निकला होता है, आदमी चलता है तो साया पीछे होता है। लिहाजा खुदा ने साये रसूल को उठा लिया। जब मेरा नबी हादी आजम की हैसियत से आगे बढ़ेगा, आफ्ताब निकला होगा तो साये की फितरत है पीछे रहना। सहाबी रसूल पीछे चलेंगे, साये रसूल पे कदम पड़ेगा तो हीने रसालत होगी। तवज्जो है ना, तौहीन रसालत होगी। अब मुसलमान गौर करें कि सहाबी में, उम्मत रसूल में और आले रसूल में कितना फर्क है। उम्मत रसूल उसे कहते हैं, सहाबी रसूल उसे कहते हैं कि नबी के साये पे कदम ना पड़े, और आदे रसूल उसे कहते हैं जो दोषे मोहम्मद पे सवार हो जाए। अजमत है। अच्छा नबी के जिस्म में साया नहीं। अब एक सवाल और उठेगा, दस्त अदब जोड़ के पूछूंगा, पालने वाले तूने नबी के जिस्म में साया निकाला है, बनाया क्या है? भाई जिस्म रसूल से साये को तवज्जो चाहता हूं मीर भाई, फड़क जाएंगे आप। जिसमें रसूल से साये को निकाल के बनाया क्या है? मुसद्दस का एक बनवाजे कर दे, क्या बनाया है? बगौर सवाल फरमाएंगे बिल्कुल क्लियर होगा क्या बनाया है। अफकार में रसूल की अफकार की झलक, अफकार में रसूल के अफकार की झलक, किरदार में रसूल के किरदार की झलक, रफ्तार में रसूल के रफ्तार की झलक, गुफ्तार में रसूल के गुफ्तार की झलक। हुस्ने शबी है अहमद मुख्तार हो गया, और साये का नाम हैदर करार। हुस्ने शबी है अहमद मुख्तार हो गया, और साये का नाम हैदर करार हो गया। तो मेरे अजीजों, और रसूल के साये का नाम है हैदर करार। जिस तरीके से जिस्म है तो साया है, जुदा नहीं कर सकते, उसी तरीके से जहां जहां मोहम्मद है वहां वहां अली का साया है। गौर व फिक्र का मकाम है। गौर करें भाई नबी कौन है। पूरे कुरान में देखें आप, तवज्जो का तालिम हूं। आज शबे आठ है ना, मोमिनीन जूग दर जूग आ रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, क्यों ना आए, अकीदतमंद हैं, आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, आले मोहम्मद पे कुर्बान होने वाले हैं। तवज्जो चाहता हूं, पूरे कुरान में आप देखें,
खुदा ने रसूल को यासीन कहा, तवज्जो है ना, मुजम्मिल कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, लेकिन अगर मुजम्मिल कहा तो अपनी मर्जी से कि रसूल की मर्जी है, रसूल की मर्जी नहीं है, अपनी मर्जी से। ताहा कहा तो अपनी मर्जी से, यासीन कहा तो अपनी मर्जी से, मुदस्सिर कहा तो अपनी मर्जी से, या यूहन नबी कहा तो अपनी मर्जी से, या यूहन रसूल कहा तो अपनी मर्जी से, सब में खुदा की मर्जी, जहां जैसा। तवज्जो चाहता हूं तो समाज दे फायदा आपको। एक मरतबा खुदा ने पूछा, मोहम्मद आमना के लाल, अबू तालिब के लख्ते जिगर, मैंने यासीन कहा अपनी मर्जी से, मुजम्मिल कहा अपनी मर्जी से, ताहा कहा अपनी मर्जी से, ये बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? क्या कहा? तुम्हारी मर्जी क्या है? तो मेरे नबी ने क्या कहा? वस्कुर्नी यामन बे अब्दे का। भाई तवज्जो चाहता हूं, क्या कहा? फड़क जाएंगे, ऐ पालने वाले एक मर्तबा तू मुझे अपना अब्द कह के पुकार ले। तवज्जो चाहता हूं, एक मर्तबा मुझे तू अपना अब्द कह के पुकार ले। देखिए, यासीन कहा, मेरे नबी ने सब में इज्जत नहीं समझा, मुजम्मिल कहा सबब इज्जत नहीं समझा, ताहा कहा सबब इज्जत नहीं समझा, क्या कहो? पालने वाले एक मर्तबा तू मुझे अपना अब्द कह के पुकार ले, अपना बंदा कह के पुकार ले। खुदा को नबी की यह इंकसारी बड़ी पसंद आई, कहा मोहम्मद तुम्हारी इंकसारी का ये आलम, तुम्हारी इंकसारी का ये आलम। एक मरतबा खुदा बंदे आलम ने कहा, तुम्हारी तमन्ना को मैंने कलमाए तैयबा में शामिल कर दिया, तुम्हारी तमन्ना को कलमाए तैयबा में शामिल कर दिया। वो कलमाए तैयबा क्या है? आप जब कलमा पढ़ते क्या कहते हैं? अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, का सलातो व सलाम। अब्द की मंजिल पहले आ गई। सोचिए ये शान है, तवज्जो का तालीम दो का समाज बेदार है। दुनिया कह रही है, एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, बशर्ते कि आप मेरी तरफ ध्यान दें। आ करना वा करना आपकी जिम्मेदारी है। अजमत क्या है? जब खुदा ने अर्श पे बुलाया तो कुरान ने क्या कहा? सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सुभानल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तुम्हारा तवज्जो चाहता है, खुदा ले गया वो जात पाको पाकीदा है जो अपने बंदे को रातों रात ले गया। कहां से? मिनल मस्जिद हराम एलल मस्जिद अक्सा। तवज्जो चाहता हूं, अरे मुसलमान गौर करो, कुरान की आयत पढ़ो फिर नबी के मेराज की बात करो। था वो कैसे? मुसलमान कहते जौजा के हुजरे से। तवज्जो कर, कुरान कह रहा नहीं मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा। अब बताओ मुल्ला की माने या अल्लाह की माने? भाई कुरान देखे, कुरान क्या कह रहा? मेराज की मंजिल है। तवज्जो चाहता हूं, मौजू ये नहीं, जरा सा हल्का सा, चूंकि मकसद वही है, मौजू वही है मेराज की मंजिल में। अच्छा, नमाज में क्या होता है? नमाज देखा है? नमाज में नियत, रुख मेरा काबे की तरफ। आपने नियत देखी उनकी?
अच्छा नहीं लेगी तो कभी चले जाइएगा, पेश नमाज कराते हैं नहीं है। निम्रुख मेरा काबे, अरे काबे की तरफ तो खड़े ही हो, कहने की जरूरत क्या है। रुख मेरा काबे की तरफ, तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा रुख तो काबे की तरफ किया है, नियत कर लिया, अब जब तक नमाज तमाम ना हो काबे से मुंह ना फेरना। तवज्जो चाहता, तवज्जो चाहता हूँ। अभी नमाज तमाम नहीं हुई, इधर भी और इधर भी सलवात पढ़ने वाला आवाज, भाई सुने आप सलवात पढ़ने वाला खुदा मेराज की मंदिर में लेके गया मेरे नबी को। कुछ दूर पहुंचे, एक मतबा जिब्रील ने पूछा, मेरे नबी कुछ आपने आवाज सुनी? कहां दाहिने जानिब से एक आवाज आई थी। कहा फिर? कहा मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ा। कहा अगर आप उधर देख लेते तो मजूसी हो जाती। तवज्जो चाहता हूं। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, या नबी कुछ सुना था? कहां बाएं जानिब से आवाज आई थी। कहा फिर? कहा हमने कोई अमल नहीं किया, सीधे चले। कहा अगर मुड़ के देख लेते तो यहूदी हो जाते। तवज्जो चाहता हूं। पता ये चला कि मेराज की मंजिल वो है, ना दाहिने देखो ना बाएं। सलवात पढ़ने आवाज वाला भाई, मेराज की मंजिल क्या है? अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। तो जब उस मंजिल पे ना दाहिने देखो ना बाएं देखो, तो जहां मेराज हो रही है नमाज में, वहां कहां दाहिने और बाएं देख रहे हो? तवज्जो का तालिब हो, लोग समाज बेदार है। अजमते अहले बैत, अजमते रसूल, रसूल की इस्मत समझो। रसूल कहते किसे हैं? और खुदा की कसम, अजमते अहले बैत रसूल वो मंजिल है जो मुसलमान न समझ सके। या तो दुश्मनी में, भाई दुश्मनी है, आज तो हर मुजाहिद है वो मुजाहिद इस्लाम है जो शियों का कातिल है। देखा आपने, अगर शियों का कातिल है ना तो उसको देखिए मुजाहिद इस्लाम बना देंगे, मुजाहिद इस्लाम बना देंगे। तो भाई मुजाहिद है वो, अपने वक्त का चोर क्यों ना हो, झूठा क्यों ना हो, काजिब क्यों ना हो, है? लेकिन ये मंजिल है। मौला अली से दुश्मनी है, तवज्जो चाहता हूं, मुसलसल ये बातें चल रही हैं आपके सामने। मौला अली से दुश्मनी है, लेकिन कुरान का एक तरफ दावा है कि बगैर दामन अली छोड़ के कुरान पढ़ ही नहीं सकते। तवज्जो चाहता हूं, कारी बनो, आलिम कुरान बनो, हाफिज कुरान बनो, लेकिन अगर अली का दामन छूटा, मैं दलील दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, पूरे कुरान में कितने हरूफ है जानते हैं आप? नहीं जानते तो सुन लीजिए, लेकिन सलवात बाबाद बलन पढ़ के। पूरे कुरान में 28 हरूफ हैं, और इसी को अरबी कवायद में हरूफ तहज्जी कहते हैं, 28 हरूफ को। और इसी 28 हरूफ के अंदर अजमत अली है। पूरा कुरान सुनेंगे आप, फड़क जाएंगे, अब एक घर पर फड़केंगे आप, इसलिए कि आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। यहां तो मुनाफिक कोई बैठा ही नहीं है, इसलिए कि हम तो चेहरे से पहचानेंगे ना, चेहरा तो खुली हुई किताब है भाई, चेहरा तो खुली हुई किताब है, अब तो चेहरे से पहचान लेंगे, चेहरा खुली हुई किताब है। तवज्जो चाहता हूं, 28 पूरा कुरान इसी 28 हरूफ में है। अब वो हरूफ कौन से हैं? हरूफ भी गिनवा दें आपको, अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल रे जे सीन शीन साद जाद तो जो ऐन गैन फे काफ
नू वाव है ये सलावात। इतने हरूफ हुए 28 हरूफ। जब किसी ने मुतवक्किल ने अली के चाहने वाले से पूछा कि अली के फजाइल बयान करो, उसने कहा कि पाक सिफात को बयान करने के लिए पाक जबान की जरूरत पड़ती है। मेरी जबान इतनी तैयब और ताहिर नहीं कि वारिस तत्हीर की तारीफ कर सकूं। उसने कहा कुछ नहीं तो थोड़ा करो। उसने कहा कि जो पूरे कुरान में हुरूफ हैं, हर हर्फ में अजमत अली है। जितने हुरूफ बताए ना, क्या कहा, जितने भी हुरूफ हैं हर हर्फ में अजमत अली है। उसने कहा साबित करो, तवज्जो चाहता हूं। अभी जितने हुरूफ है सुनेंगे आप, फड़क जाएंगे आप। तो उसने कहा सुन ले, अलिफ से असदुल्लाह है गालिब, अली इब्ने अबी तालिब, बे से बाबे मदीदुल, के से तुरबते रसूल का मुहाफिज, से साबित कदम रहने वाला हर जंगो जदाल में, जीम से जामेउल कुरान, हे से हैदर करार, खे से खाली अल बोहतान, दाल से दावत हक का देने वाला, जाल से नाकिरे माबूद इलाही, रे से राजी बरदाए इलाही, सीन से सवारे दोषे रसूल, शीन से शाकिर, साथ से साबिर, जात से जालिमे जुल्फकार, तो से तलबे खुदा करने वाला, जोर से जाहिर करने वाला इस्लाम का, फैसे फातेह खैबर व खंदक, काब से कमालाते इलाहिया का हामिल, काब से कवि हैकल, लाम से लिसानुल्लाह, मीम से मददगार रसूल, नू से नासिर मोहम्मद, वाव से वली खुदा, हे से हादी इस्लाम, ये से यदुल्लाह। खुदा जवानों को जिंदा रखे, इसलिए कि ये जवान नहीं है, हैदर करार के जुल्फकार के नीचे परवरिश पाने वाले नौजवान हैदरी है। पूरा कुरान तवज्जो है ना, एक एक हर्फ में अजमत है अली। अब बताओ कहां जाओगे अली का दामन छोड़ के। तवज्जो चाहता हूं, लोग समाज दो भी समाज फड़ाएंगे, फड़क जाएंगे आप, खुदा की कसम। वो मुसलमान जो दामन अली छोड़ के तिलावत कुरान करना चाहते हैं, वो गौर करें, बगैर हुब्बे अली कुरान का पढ़ना है बस ऐसे, सुन लिया, बगैर हुब्बे अली कुरान का पढ़ना है बस ऐसे कि जैसे कोई अंधा जिंदगी भर आई ना देखे। जैसे कोई अंधा
जिंदगी भर आईना देखे, अंधा आईना देखे, सूरत नजर लाए। तवज्जो का तालिब हो, ज़ौक़े समाज बेदार है। तवज्जो चाहता हूँ, ज़ौक़े समाज बेदार है। तो ज़बान पे हुस्ने हकीकत का एतराफ नहीं। हुजूर दीदे दिल का गुबार साफ नहीं, हुजूर दीदे दिल का गुबार साफ नहीं। बदन पे जामाए अहराम हज के मौके पर, बदन पे जामाए अहराम, दिल में बुग़्ज़े अली। बदन पे जामाए अहराम, दिल में बुग़्ज़े अली। तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। तवज्जो का तालिब हो, गौर करें। अज़मत मौलाए कायनात किसे कहते हैं, नबी की शान क्या है, नबी की इस्मत क्या है। लेकिन नबी ही को ना पहचाना तो अली को क्या पहचानेंगे। इस्लाम में कितने फिरके, नबी ने कहा कितने, तिहाड़। तवज्जो चाहता हूं, जहां जहां हजरात हैं, 73 फिरके, कितने नारी कितने नाजी, 72 नारी एक नाजी। तादाद कितनी, एक तरफ 72 एक तरफ एक। तवज्जो चाहता हूं, अब ये ना कहना शिया इतने कम क्यों हैं, इसलिए कि अक्सरियत तो जाएगी नहीं। तवज्जो चाहता हूं, तो अगर समाज देदार है, अक्सरियत जाएगी नहीं। भाई सुनिए आप, 73 नबी ने कहा ना, 73। तवज्जो चाहता हूं, करबला के मैदान में कितने थे, 73। 72 गलत रास्ते को बंद करने के लिए इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दी, एक ज़ैनुल आबिदीन बचे। अब जो इनके साथ हो जाए, सलावत। तवज्जो का तालिब हूं, तो 73 72 नारी एक नाजी। कल मैं बिरादर मोहतरम के यहाँ गया था दावत में, मोहम्मद हुसैन साहब शेरिया के यहाँ। सुन ले आप, साबित हो जाए, साबित हो जाए 72 और एक। जब मैं वहां गया, मिसाल के तौर पर कह दें, ये हकीकत नहीं है, मिसाल है, अब हकीकत ना समझ लीजिएगा। तो अजर इसलिए कि भैया मजमे से डर लगती है। तीन तरह का मजमा होता है। कितना का होता है, तीन तरह का। जितना मैं कहता हूं एक मजमा वो उतना ही समझता है, और एक वो होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे, इनका मुताला मुझसे ज्यादा है, जितना मैं कहता हूं उससे ज्यादा समझते हैं, और एक वो है जो मैं कहता हूं उसके उल्टा समझते हैं। तवज्जो है ना, जितना मैं कहता हूं तो वो उतना ही समझते हैं तो बेहतर है, जितना मैं कहता हूं उससे ज्यादा समझते हैं तो बेहतर है, लेकिन जो उल्टा समझता है खतरा वही है, वही अफवाह फैलाएगा, वही अफवाह फैलाएगा। सुने आप, तो बिरादर मोहतरम दावत की, मेरे बिरादर मोहतरम मोहम्मद हुसैन सैदिया ने, जब हम लोग दावत पर पहुंचे, कुछ लोग गए, अमीर भाई भी थे, अब सबका नाम लेना बेहतर नहीं है, लफ्जों को बदल के कहूं, हम लोग थे 73, हम लोग थे 73। बिरादर मोहतरम ने 72 प्लेट लगाई, 73 प्लेट लगाई। जब 73 प्लेट लगा चुके, खाना चुन दिया, कहा हुजूर तवज्जो का तालिब हो, अरे अब तो किबला हम ही है, नहीं देख रहे,
मौलवी को कबिला सलावत पढ़े महावाला बताइए जब हमारे जैसे लोग किबला हो जाए तो उस किबले का क्या होगा। तवज्जो चाहता हूं, लोग समाज बेदार है, सुने आप। 73 प्लेट लगा दिया, खाना चुन दिया गया। जब हम लोग खाना दस्तरखान पे बैठे, लुकमा उठाना चाहते थे, एकदम बिरादर मोहतरम ने कहा सुनिए लुकमा बाद में उठाइएगा, 72 प्लेट में जहर है, एक प्लेट में नहीं है। अब उठा हुआ लुकमा रुक जाएगा तो जो है उठा हुआ लुकमा रुक जाएगा, ना मालूम किसकी मुकद्दर खराब। ठगरे साहब एक ही लुकमा खाएंगे लेकिन उसी प्लेट से जिसमें जहर नहीं है। तवज्जो का ताले हूं, जुमला रहेगा जरा, 72 में जहर है, एक में जहर नहीं है। मजने ने कहा नहीं, उसी एक प्लेट से खाएंगे जिसमें जहर नहीं है। पूछा पहचान क्या है, तवज्जो का पूछा पहचान क्या, का पहचान यह है कि जिस प्लेट पे परचम इस्लाम बना हुआ है उसमें जहर नहीं है। तवज्जो बता ले हूं, पता यह चला कि तमाम मुसलमानों को तहकीक करना होगा। नबी ने यही कहा है कि 73-72 में जहर है, अगर उसके नक्शे कदम पे चलोगे जहन्नम में चले जाओगे। सलावत अजमत अहले बैत आले मोहम्मद की शान दुनिया पहचाने क्या है, दुनिया जाने आले मोहम्मद किसे कहते हैं। मुसलमान दुश्मनी है अली में, अली के बाप को थज है ना, क्या कह दिया। मैं नहीं कहूंगा, आप कहेंगे भाई, आप जानते हैं ना शुजात अली क्या है, शुजात अबू तालिब क्या है, जो मोहम्मद को पाले। तो जो है ना, अगर मुसलमानों के समझ में नहीं आए तो सूरह तहरीम पढ़ ले, 28वां पारा, के आसिया जने फिरौन। तवज्जो बता ले हूं, आसिया जने फिरौन वो किस नबी का कलमा पढ़ती थी। तो जुमला लाएगा जा रहा, किस नबी का कलमा पढ़ती थी कि कुरान ने कह दिया जन्नती का, एक मूसा की परवरिश किया, एक मूसा की आसिया परवरिश करे फिरौन की जौजियत में रहके, तो कुरान जन्नती कहते जो फखर मूसा की परवरिश करे। फखर मूसा की परवरिश की जाए और करे, मेरे नबी की परवरिश किसने की। तो जो है ना, तो हजरत अबू तालिब ने, और तारीख इस्लाम गवाह है, तारीख इस्लाम गवाह है कि जब कुफारे मक्का ने तरके मवालात किया मुसलसल 3 वर्षों तक, तो जनाबे अबू तालिब अपने फर्जन और रसूल खुदा को लिए हुए एक शेब में गए, तमाम लोगों ने उसका नाम लिखा शेब अबू तालिब, जहां मोहम्मद को पना मिले। मैं जुमला सुनेंगे आप, तमाम लोगों ने लिखा वहां मुसलसल 3 वर्षों तक, जब रात आती ही तो तारीख कहती है कि जनाबे अबू तालिब नबी को उठाते थे
गोद में जगह बदल देते थे, नबुवत की नींद नहीं टूटती थी। जुमला राय का चला गया, खुदाई तो सब जुमला राय। अरे अबू तालिब का दस्ते मुबारक वो है जहां नबुवत को सुकून मिलता है। आप किसी भी बच्चे को उठा के देखें, नींद टूट जाएगी। उठा के देख ले तो जुबा कर ले। लेकिन तारीख कहती है कि जनाबे अबू तालिब गोद में उठाते थे, जगह बदल देते थे और रसूल की जगह पे अली को सुला देते थे कि अगर कोई दुश्मन हमला करने आए तो मेरा बेटा शहीद हो जाए, मोहम्मद बन जाए। तवज्जो का तालिब हो, ये जज्बा था। जब नबुवत बेदार होती थी तो मेरे नबी पूछते थे, चचा सोया वहां था, आया यहां कैसे? तवज्जो चाहता हूं, सोया वहां था, आया यहां कैसे? तो हजरत अबू तालिब बताते थे, बेटा मैंने अपने हाथों पे तुम्हें उठा के जगह बदल दिया। मैं कहूंगा अबू तालिब कह क्या रहे? कहा दुनिया वालों को बता रहा हूं कि काफिर के हाथों पे नबुवत को सुकून नहीं मिलता। बताओ मैं काफिर हूं तो खातमुल अंबिया को मेरे दस्ते मुबारक पे सुकून मिला कैसे? तवज्जो का तालिब हूं। दो बातें अबू तालिब की शुजात, दो बातें। कुरान क्या है? لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله। अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ने लगता। यानी कुरान वो है जिसका बार पहाड़ ना उठा सका। सुनेंगे सुनेंगे आप, कुरान वो है जिसका बार पहाड़ ना उठा सका। नबुवत की वो मंजिल है कि जब दोशे अली पे सवार हुए मोहम्मद खान है काबा की मुछिकनी के मौके पर तो इमामत ना उठ पाई। तवज्जो का तालिब हूं, जब ही तो कहा अली आओ मेरे दोष पर सवार हो जाओ। तवज्जो का तालिब हूं। अब देख लिए, एक तरफ बारे कुरान है, एक तरफ बारे नबुवत है। अब दुनिया काफिर कहने के पहले सोच ले कि अबू तालिब वो है कि शोबे अबू तालिब में अपने दस्ते मुबारक पर बारे कुरान भी उठा रहे हैं, बारे नबुवत भी उठा रहे हैं। बारे नबुवत भी उठाया, बारे कुरान भी उठाया। तवज्जो का तालिब हूं। नायबे खत्म रसूल शाह खुदा कहते हैं, हम तुम्हें दस्ते खुदा उगदा कुशा कहते हैं। ऐ अली हमसे छुपाते हो हकीकत अपनी, ऐ अली हमसे छुपाते हो हकीकत अपनी। है कोई बात नुसैरी जो खुदा कहते हैं? है कोई बात नुसैरी जो खुदा कहते हैं? तवज्जो का तालिब हूं। शान अजमत अहले बैत रसूल, यानी वो लोग हैं जिन्होंने रसूल की जिंदगी में इस्लाम को हयात बख्शी। खुदा की कसम आज इस्लाम ममनून एहसान है। किसका? औलादे अबू तालिब का, औलादे अबू तालिब का। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मजलिस से मौका मिला तो आपको बताएंगे 18 बनी हाशिम जो करबला में शहीद हुए सब औलादे अबू तालिब हैं, सब औलादे अबू तालिब हैं। मेरे अजीजों ये कौन है? औलादे रसूल है। करबला का तपता हुआ रेगिस्तान है, है? कौन हिफाजत के लिए आया है? अबू तालिब का पोता है।
दुनिया गौर करे, ये मुहर्रम ये आजादारी क्यों करते हैं? हम एहसान फरामोश वाली कौम नहीं है, हम एहसान मानते हैं, हम एहसान मानते हैं उनका जिन्होंने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम की बका के लिए। आज माहे मुहर्रम की सातवीं गुजर गई, आठवीं की शब लग गई। आजादारों, बस अब आप समझ गए होंगे किसकी शहादत पेश करनी है। उसकी शहादत पेश करनी है जो हसन का लाल है। आजादारों, आज बराबर आप इमाम हुसैन को पुरसा देते रहे, कल आपने उम्मे लैला को पुरसा दिया अली अकबर का, आज उम्मे फरवा को पुरसा दीजिए उनके लाल कासिम का। आजादारों, ये कासिम कौन है? इमाम हसन के लाल है। तारीख कहती है कि जब जनाब कासिम 4 बरस के हुए तो इमाम हसन शहीद हो गए जहर से। जनाब कासिम की परवरिश इमाम हुसैन ने की। अजादारों, इमाम हुसैन की आगोश में जनाब कासिम परवान चलते रहे और बाप का प्यार दिया। एक मरतबा कासिम ने कहा, चचा जितना आप हमें चाहते हैं मेरा बाप जिंदा रहता तो मुझे कितना चाहता। आजादारों, जनाब कासिम ने बाप को याद किया, कहा मेरे लाल कासिम, हम अली अकबर से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। मेरे लाल, अली अकबर से ज्यादा चाहते हैं। तारीख कहती है आजादारों के खेमे के बाहर जनाब अब्बास है, जनाब अली अकबर है। जनाब अली अकबर, जनाब अब्बास कहते हैं, बेटा अली अकबर, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अली अकबर कहते हैं, नहीं चाचा, मैं जाऊंगा। मैं आपने जो मुझे दर्श दिया है, तरबियत दी है, उस शुजात का मुजाहरा करना है ताकि आप देखें। जनाब अब्बास कहते हैं, नहीं बेटा, मैं जाऊंगा। एक पड़ाव जब जनाब अली अकबर ने जिद की, नहीं चाचा मैं जाऊंगा, तो जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर, तुम्हारे जाने से तुम्हारे बाबा का नूर खत्म हो जाएगा। आजादारों, एक मतबा अली अकबर ने कहा, चचा आपके जाने से बाबा की कमर टूट जाएगी, आपके जाने से बाबा की कमर टूट जाएगी। अभी ये बातें हो रही थी कि पर्दा हटा, 14 बरस का नौजवान आजादारों आया, समझ गए कौन कासिम। कहा, चचा ना आप जाएंगे ना भैया अली अकबर जाएगा, इसलिए कि भैया अली अकबर जाएगा तो चाचा के आंखों का नूर चला जाएगा, आप जाएंगे तो चाचा की कमर टूट जाएगी, इसलिए मैं जाऊंगा। बस आजादारो, इसलिए कि मैं यतीम हूं। आजादारो, कहा मैं यतीम हूं, मेरा बाप मर गया है। आजादारो, ये जुमला सुना इमाम हुसैन ने, ये जुमला इमाम हुसैन ने सुना, फौरन खैमे से बाहर आ गए। कहा, कासिम बेटा तुमने क्या कहा? ऐ मेरे लाल, तुमने क्या कहा? कहा, बेटा तुम यतीम हो, अभी चचा जिंदा है। आजादारो, अजीब मंजिल है, शहादत का सिलसिला शुरू होता है। जनाबे कासिम
इतने जंग मांग रहे हैं लेकिन इमाम हुसैन इतने जंग नहीं देते। कहते हैं कासिम, ऐ मेरे लाल कासिम, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, हम तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दे दे, अब तक जो गया लौट के नहीं आया। बस अदादारो, खुदा की कसम आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। तारीख कहती है जनाब कासिम बेचैन हैं, चचा के कदमों को चूम रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, चचा इजाजत, चचा इजाजत, जनाबे इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते। ऐसा मालूम होता है कि निगाहे हुसैन में इमाम हसन की तस्वीर घूम रही है। बस अदादारो, जनाबे कासिम आए खेमे में, अपनी वालदे माजदा के करीब आए, अम्मा ऐ अम्मा, चचा इजाजत नहीं देते। बस अदादारो, उम्मे फरवा ने चादर संभाली, आ गई इमाम हुसैन के पास। बस अदादारो, कहा इमाम हुसैन से मुखातिब हो गया, क्या शरीयत में औरतों पे वाजिब है जिहाद? अरे अगर इमाम हसन नहीं है तो उनका लाल है, इजाजत दे दीजिए। अरे मैं मरने की इजाजत दे रही हूं। कहा कासिम, तू बड़ी अच्छी सवारी चलाए हो मेरे लाल, मेरे लाल बड़ी अच्छी सवारी चलाए हो। बस अदादारो, मजलिस तमाम हो गई, खुदा की कसम आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। तसव्वुर करें जनाब कासिम, तारीख कहती है कि जब जनाब कासिम को इसने जंग मिल गया, 14 बरस के थे, बाज तारीख 13 लिखती है, बाज तारीख 14 लिखती है, तो इमाम हुसैन ने गोद में उठा के नाखे पर सवार किया। कितने कम दिल थे कासिम, अदादारो बड़े कम से। तारीख कहती है इमाम हुसैन खेमे के दरवाजे पे खड़े हुए कासिम की जंग देख रहे थे। उम्मे फरवा इमाम हुसैन का चेहरा देख रही थी। अंदाज वही है जो जनाब अली अकबर का था कि अगर मेरे लाल में कोई मुसीबत आई तो हुसैन के चेहरे से जाहिर हो जाएगा। एक मरतबा इमाम मजलूम का चेहरा मुतगैर हुआ। उम्मे फरवा ने पूछा, आका मेरे बच्चे की खैर तो है? अजादारो, इमाम हुसैन ने कहा, उम्मे फरवा, तुम्हारे बच्चे के मुकाबले में एक पहलवान आया है, वह पहलवान आया है, तुम्हारा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है, तुम्हारा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है, जाओ मां की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, दुआएं मांगो। उम्मे फरवा कहती है, उम्मे फरवा ने जनाबे ज़ैनब को बुलाया, उम्मे कुलसूम को बुलाया, ऐ बाप के सीने पर सोने वाली सकीना, अरे जरा मेरे करीब आ जा। अदादारो, जब तमाम बीबियां आ गईं, उम्मे फरवा ने सर के बाल खोले, खुदा से दुआ किया, ऐ पालने वाले मेरे लाल कासिम को मुझसे मिला दे। अदादारो, माँ की दुआ है, माँ की दुआ है, माँ की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हुई, कासिम कामयाब हो गए। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, किसी ने तीर मारे, किसी ने नेजा मारा, अदादारो कासिम से
امام حسین نے دیکھا ایک ظالم قاسم کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے, حسین دوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر قاسم کے لات ارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گئی. اداداروں ہائے قاسم کی میاں, امام حسین نے جب قاسم کا جنازہ اٹھایا ہوگا عزاداروں لاش قاسم ٹکڑے ٹکڑے, عزاداروں وہ تستا گیا زیارت کے لیے ارے قاسم کا لاشا. عزاداروں اس انداز میں قاسم آئے, زخموں کا پھول ہے خون کی مہندی ہے, عزاداروں وہ مہندی نکل گئی. نکالتا ہی نہیں اشارہ کرنے کے بعد بھی